गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में लिक्विडेटर हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। लिक्विडेटर्स में मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला दैट इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिक्विडेटर्स। और ये इस वीडियो में जो मैं सम कराऊंगी दैट इज सम नंबर 51। बट बिफोर अटेंडिंग और बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेक्चर। जो पहला लेक्चर उसे आप देख कर आइए। मुझे पता है थ्योरी है इसलिए आपको थोड़ा कम पसंद आएगा, पर उसे आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आ जाइए सम नंबर 51। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लिक्विडेटर्स अकाउंट। यूनिवर्सिटी आस्किंग क्वेश्चन है, लास्ट है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2019 साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पेपर में भी आराम से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। महारानी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2020। द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। लिक्विडेशन के लिए कंपनी जा रही है और ये उनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपके पास शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों शेयर कैपिटल होंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास डिबेंचर होंगे परसेंटेज के साथ। करंट लाइबिलिटीज में मोस्टली आपके पास क्रेडिटर्स होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड यहाँ पर इस समय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। सो ये एक तरह से आसान है टू फाइंड आउट कि हु आर अवर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लेकिन मैं आपको ऐसे भी सम कराऊंगी, इसके बाद में एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ पर मैं एक एक पॉइंट्स आपको उसमें ऐड करती हुई जाऊंगी। जैसे कि आपको सिक्योरिटी दी हो कि भाई इन्वेस्टमेंट के सामने लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्टगेज किया हुआ है या डिबेंचर के सामने लैंड को मॉर्टगेज किया हुआ, तो ये सब मैं आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली सिखाती जाऊंगी। बट दैट इज अ स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देन यू हैव असेट्स, उसमें फिक्स असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अदर नॉन करंट असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और करंट असेट में स्टॉक एंड डेटर्स है। यहाँ पर कैश नहीं है। मैंने आपको जो फाइनेंशियल फाइनल स्टेटमेंट सिखाया है लिक्विडेटर्स का, उसमें यहाँ पर शुरुआत ही होती है टू ओपनिंग कैश बैलेंस, पर क्योंकि नहीं है तो मैं बिल्कुल लिखूंगी नहीं। लेकिन अगर आपने रट्टा मार के रखा है और आपने यहाँ पर लिख दिया है कि टू कैश बैलेंस, या फिर ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं, कैश बैलेंस, तो यहाँ पर डैश आएगा। पर इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में, सो बेटर नहीं है तो उसे स्किप करो। चलिए अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हम करें तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स, यानी कि आपका जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है उसका जो, तो 2 साल का बाकी है वो हम दिखाएंगे। असेट रियलाइज्ड वेयर एज फॉलो, ये सारे असेट्स हैं जो हमको रियलाइज हुए हैं, कैश जिसकी हमें मिल चुकी है। तो ये मैं आपको फाइनेंस स्टेटमेंट में सिखा चुकी हूँ कि वो हम यहाँ पर असेट रियलाइज को लिखेंगे। देन वी हैव लिक्विडेशन एक्सपेंस, देन रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 3% ऑन द असेट रियलाइज। जो कुछ भी असेट रियलाइज हुई है उसके ऊपर 3% हमारा रेम्यूनरेशन है। इनकम टैक्स पेएबल ऑन लिक्विडेशन इज 44,500, दैट इज इनकम टैक्स पेएबल विच इज अवर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मैंने आपको सिखाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में कि किसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलेंगे, किसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलेंगे, किसको हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलेंगे। तो जो इनकम टैक्स पेएबल है, सैलरीज हैं, जो एरियर्स हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो सब हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। एज्यूमिंग दैट ऑल द पेमेंट्स आर मेड ऑन 31 मार्च 2020, प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये रहा हमारा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मैंने जैसे आपको 1, 2, 3, 4 करके सिखाया है कि पहला क्या आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। जो इनको नहीं पता है तो बुक के अंदर आपके पास फाइनल स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा है, वही प्रोफॉर्मा बेस्ट है, आपको कोई और प्रोफॉर्मा शॉर्टकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें मैंने आपको सिखाया था कि कितनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। एक बार फिर से मैं आपको वो प्रोफॉर्मा दिखा देती हूँ और 1, 2, 3, 4 जो मैंने कहा क्या ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रहा हमारा प्रोफॉर्मा, ओपनिंग कैश बैलेंस, असेट रियलाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रट्टा मान लीजिए, फर्स्ट सिक्योर, सेकंड लिक्विडेटर्स, थर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी सिक्योर और लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएगा, और उसके बाद आएगा डिबेंचर्स। आप कभी डिबेंचर पहले लिख देते हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बाद में लिख देते हैं तो नॉर्मल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें सबसे पहले जो पेमेंट करनी होती है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को करनी होती है बिफोर डिबेंचर। सो यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर को हमेशा फॉलो करिए। तो आज भी हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, मैं आपको बताती भी जाऊंगी और लिखती भी जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग, कैश बैलेंस जो हमारे पास है ही नहीं, हम लिखेंगे टू असेट रियलाइज। हमारी जो भी असेट रियलाइज हो रही है हम वो पैसा लिखेंगे, ठीक है।
चलिए टू असेट रियलाइज. सो दीज आर योर असेट रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स. मैंने वही अमाउंट सेम टू सेम 984, 163, 712, 1191 वो एज इट इज लिखी और उसका टोटल 30,50,000 आउटर कॉलम में लिख दिया है. ये हमारी असेट रियलाइज हुई. अब हम वन बाय वन यहाँ पर हमारे जो ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं. सो द फर्स्ट ऑर्डर इज फॉर द सिक्योर क्रेडिटर्स. अगर आप 1, 2, 3 लिखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं. आपके एग्जामिनर खुशी होंगे अगर आपने ज्यादा लिखा और सही लिखा है. चलिए सिक्योर क्रेडिटर्स. सिक्योर क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि वो क्रेडिटर्स जिनको हमने एक सिक्योरिटी के तौर पे कोई असेट प्लेज की हुई है, जैसे कि मोर्टगेज की हुई. तो हमारे पास एक भी ऐसा क्रेडिटर्स नहीं है. अगर वो होता तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में यहाँ पर लिखा होता और ब्रैकेट में लिखा होता है मोर्टगेज बाय या प्लेज्ड बाय, राइट. तो ऐसा कोई भी हमारे पास सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं है तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा. तो हु इज द नेक्स्ट सिक्योर क्रेडिटर्स के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? तो लिक्विडेटर्स, एक्सपेंस एंड रेमुनरेशन. तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं गैप छोड़ देती हूँ ताकि आपको पता चले. लिक्विडेटर्स एक्सपेंस जो क्लियरली दिया है 54,000, जस्ट राइट डाउन एज इट इज 54,000. द सेकेंड इज लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, अब ये जो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है वो लिखा है बुक में ही लिखा है कि 3% ऑन असेट रियलाइज. ये यहाँ पर लिख के दिया है कि 3% ऑन असेट रियलाइज. नाउ योर असेट इज रियलाइज दिस दैट यू नीड टू फाइंड आउट द टोटल. जो टोटल है उसका 3%, नाउ टोटल इज 30,50,000. सो 30,50,000 का 3% हमें करना है, दैट इज लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड दैट विल कम 91,500. लिक्विडेटर्स एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन कम्स सेकेंड. तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. अब बारी आएगी थर्ड की. तो आफ्टर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन किसका नंबर आएगा? जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, ये रहे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो मैं नंबर 3 पे लिखूंगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. रिमेंबर स्टूडेंट्स, नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन नंबर, यू जस्ट राइट डाउन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. नाउ कौन कौन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट में आते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट. अगर हम गवर्नमेंट के लिए लायबल है तो दे विल कम फर्स्ट. जैसे कि इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन इज 44,500 है, वो तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पर हमारा इनकम टैक्स है. तो आपका जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट में जो सबसे, और हाँ एक तो उन्होंने साफ साफ ही लिख के दिया हुआ था हमें कि दीज आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये रहे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1,05,000. तो हमारे लिए आसानी ये है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,05,000 और इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन. आप दोनों अमाउंट को अंदर लिखकर उनका टोटल भी बाहर निकाल सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दी 44,500. दिस इज अवर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नंबर 3. नाउ नंबर 4, दैट इज डिबेंचर. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद नंबर आता है डिबेंचर्स का. सो वी हैव 15% डिबेंचर. सो 15% डिबेंचर यू कैन जस्ट राइट डाउन दी इनर कॉलम 4 लाख, बार भी लिख सकते हैं. और क्योंकि हमारे पास 15% डिबेंचर का इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 लाख का 15% होगा 60,000 एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. क्योंकि हम लिक्विडेट कर रहे हैं बिजनेस को, हम वाइंड अप कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली जो भी डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा वो भी हमें देना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी. सो द आंसर विल कम 4,60,000 and that is your number 4. Now the next, after preferential creditors number 3 we have debenture. Now after debenture, remember student, debenture mein outstanding agar debenture interest hai to wo bhi add kar dena hai, additional interest hai to wo bhi add kar dena hai, yani ki jitna bhi baki hai wo sab add kar dena hai. Number 5 par aayenge unsecured creditors. Number 5 is unsecured creditors. Ye maine sirf aapki समझने के लिए इतना ही गैप कर करके लिखा है और नंबर दिए हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको नंबर देने की और इतने गैप्स देने की. अनसिक्योर क्रेडिटर्स में कौन कौन आएंगे? तो देखिए, ये आपकी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डिबेंचर, तो ऑब्वियसली आपके डिबेंचर का एक अलग ही कॉलम है. करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या क्या है? क्रेडिटर्स है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में चले जाएंगे, तो बचे क्या? क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. सो योर अनसिक्योर क्रेडिटर्स आर creditors and bank overdraft, that is BOD. So creditors is 7,42,000 and your bank overdraft is 3,03,000. You should make the total and that will come 7,42,000 and 3,03,000. So aapka total aayega 10,45,000.
ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स। नंबर सिक्स, आफ्टर पेइंग अनसिक्योर क्रेडिटर्स, छठे नंबर पर कौन आएगा? दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एंड सेवंथ नंबर पर आएंगे इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स में ब्रैकेट में लिखा है रिमेनिंग अमाउंट, यानी उसको सबसे लास्ट में। तो नंबर सिक्स पे आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और उनका जो भी डिविडेंड है, एरियर्स है, वो सब यहाँ पर आएगा। तो मैं नंबर सिक्स पे लिखती हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब देखते हैं कि हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं और कितने हमारे उनके डिविडेंड्स के एरियर्स हैं। तो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो रहे हैं ये रहे 10 लाख, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10 लाख। द नेक्स्ट इज डिविडेंड। डिविडेंड में ना नीचे हमें कुछ मैंने कहीं आया, फर्स्ट इज प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स। नॉर्मली डिविडेंड आपका 1 साल का था, पर यहाँ पर 2 साल का बाकी है, तो पहले आप 1 साल का ढूंढिए मल्टीप्लाई बाई 2। तो 10 लाख 12%, 10 लाख का 12% होता है 1,20,000। 2 ईयर्स एरियर्स ऑफ डिविडेंड 1,20,000 इंटू 2,40,000, यानी आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे 12,40,000। अब हमें देखना है कि हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, तो ये लायबिलिटी को उठाओ, तीनों में से क्या बचा? इक्विटी को पे करना बचा है। प्रेफरेंस इज डन, डिबेंचर इज डन, क्रेडिटर्स प्रेफरेंस बैंक ओवरड्राफ्ट इज डन, असेट रियलाइज इज डन, स्टॉक एंड डेटर्स उसने हमें कहा नहीं है कुछ इसके बारे में, तो जस्ट लिव इट। यानी कि यहाँ पर हमारे पास पेमेंट इज डन, रिसिप्ट इज डन। अब क्या करेंगे? तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है, तो सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे। उसमें से हम हमारी ये जो यहां तक का जो पेमेंट है वो माइनस करेंगे, और उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। टोटल होगा 30,50,000, दैट इज टोटल ऑफ असेट साइड। टोटल ऑफ असेट 30,50,000, उसमें से मैं प्रेफरेंस शेयर यानी कि पेमेंट का टोटल करती हूँ। टोटल ऑफ पेमेंट, जितना हमने पेमेंट किया है, तो इन सब का अगर हम टोटल करते हैं, दैट विल कम 18 लाख, नो नॉट 18 लाख, दैट विल कम 30,40,000, 30,40,000 इंक्लूडिंग प्रेफरेंस एंड एरियर्स एंड एवरीथिंग। यानी दिस 10 इज योर बैलेंस, ये आपका 10,000 बचता है, राइट? अब आपको पेमेंट कितना करना है, बचता कितना है पेमेंट करने का? तो यहाँ देखिए इक्विटी, इक्विटी में आपके पास जो बचता है दैट इज फर्स्ट 60 पेड अप का 3 लाख एंड सेकंड 50 पेड अप का 2,50,000। यानी टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को जो हमें पेमेंट करना है, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल 5,50,000। मैंने दोनों का टोटल कर दिया, किन दोनों का? 3 लाख प्लस 2,50,000। अब उसमें से हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 10,000। तो मैं 10,000 है तो सोच के चले कि मैंने 10,000 पे कर दी, यानी बचा कितना? 5,40,000। दिस इज योर डेफिसिट, ये हमारी डेफिसिट हुई। डेफिसिट का मतलब इतना पैसा हमें चाहिए जो है नहीं। हमारे पास अगर पैसा होता 5-40 और, तो हम इक्विटी को भी पे कर देते और हमारा काम खत्म हो जाता। हमने सब असेट्स और लाइबिलिटीज का टैली कर दिया, असेट से पैसा लिया और लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। लेकिन जब हम असेट से पैसा निकालते हैं और लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, तो हमारे पास जो बैलेंस बचता है, यानी कि जो पेमेंट करने के बाद 10,000 ही बचता है। इक्विटी शेयर होल्डर को अभी भी पैसा देना है 5,50,000 का, 10,000 दे दें, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को 5,40,000 देना है। तो क्या करेंगे? तो कि हम ये जो 5,40,000 की जो टोटल डेफिसिट है उसको हम पर शेयर ढूंढेंगे। कैसे? तो 5,40,000 और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, विच इज 10,000। कहाँ से आया ये 5,000 फर्स्ट वाला इक्विटी और ये 5,000 सेकेंड वाला इक्विटी शेयर्स, यानी 5,000, 5,000, 10,000। यानी अगर मैं डेफिसिट को पर शेयर से ढूंढना चाहूँ तो दैट विल कम ₹54 ऐसे, ठीक है। यानी कि अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, तो फर्स्ट जो इक्विटी शेयर है उसमें 60 पेड अप है, ₹60 पेड अप है, लेकिन आपके हिसाब से तो 54 ही होना चाहिए, यानी कि माइनस ₹54 द आंसर विल कम ₹6। और सेकेंड वाला 50 पेड अप है, ₹50, लेकिन आपके हिसाब से 54, यानी ₹4 इज द बैलेंस। यहाँ पर ₹50 आपने बुला लिए हैं, कॉल्स बुला लिए हैं, आपको बुलाने चाहिए थे 54, यानी आप ₹4 का कॉल अब बुलाएंगे। यू आर गोइंग टू मेक अ कॉल,
ये चार रुपये आप बुलाएंगे, यहाँ पर आपको 60 आपने ऑलरेडी पैसा ले लिया है, लेकिन आपको लेना चाहिए था 54, यानी ये जो 6 है आप उसको वापस करेंगे, दिस विल यू आर गोइंग टू पे। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो देखिए, आपको जो बुलाना है पैसा, मेक अ कॉल, यानी कि आपके पास पैसे आएंगे, रिसिप्ट कितने की, 4 रुपए की, तो मेक अ कॉल, तो 2 कॉल रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर, कितना 5000 नंबर ऑफ शेयर था, और कितना कॉल बुलाना है, ₹4, यानी 20000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका 60 रुपये आप बुला चुके हैं, पर आपको बुलाना था सिर्फ 54, ये आपने डिसाइड किया कि भाई 54 रुपये जो 54 रुपये से वही हम बुला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अगर आपने उससे ज़्यादा बुलाया तो पैसे वापस करिए, अगर आपने उससे कम बुलाया तो पैसे मांगिए, 4 रुपये आप मांगेंगे, 6 रुपये आप वापस करेंगे। तो नंबर 7, क्योंकि आप पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे, 2 इक्विटी शेयर कॉल पे 5000 नंबर ऑफ शेयर्स, और आप पे कितना करेंगे, 6 रुपये, यानी 30000। देन यहाँ का टोटल 30,50,000 हुआ था, उसमें 20,000 ऐड करें तो 30,70,000 आपका टोटल आएगा, और यहाँ पर हमने टोटल ऑफ पेमेंट 30,40,000 किया था, जिसमें 30,000 का ऐड करना बाकी, यहाँ तक हमने टोटल कर दिया था। तो 30,40,000 में 30,000 ऐड करूँ तो 30,70,000। रिमेंबर स्टूडेंट, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट का टोटल टैली होना चाहिए। आपका टोटल टैली होता है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सम करा है, रिसिप्ट सही बुलाया और पेमेंट सही किया है। समझ में आया? वंस अगेन, क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा बुलाइए, पैसा पे करिए, ऑर्डर फिक्स है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस, फिफ्थ इज दिस, पैसा बचता है अभी भी, सिक्स्थ इज दिस, लास्ट में देखिए कैपिटल डेफिसिट, यहां से पता चलेगी इक्विटी के से कि कितना कॉल बुलाना है और कितना पेमेंट करना है। कैसे? तो आपकी जो टोटल डेफिसिट है उसको आप नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी, हाँ इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करिए, आपको पर शेयर मिलेगा कि भाई 54 रुपीज बुलाना चाहिए, एक शेयर की प्राइस अब 54 होनी चाहिए। अगर आपने 60 बुला लिया है तो 6 वापस करो, अगर आपने 50 बुलाया है तो 4 और मंगाओ, तो आपका फाइनल स्टेटमेंट टैली होगा। दैट्स इट, नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट नॉट दैट मच ईजी वन। 10 मार्क्स के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 10 मार्क्स में आपको पूछना है तो आप बहुत ज्यादा टफ भी नहीं पूछेंगे और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं पूछेंगे। तो फॉर द 10 मार्क्स क्वेश्चन दिस इज द बेस्ट वन, 51 महारानी। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सम कराऊंगी, दैट इज एक दो पॉइंट और उसमें ऐड हो जाएंगे, जिसे आप कहते हैं कि भाई सिक्योर क्रेडिटर्स वाला करवाओ, तो वो हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक्सेस ऑफ असेट रियलाइज भी हो सकता है, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।